शांति, सभी एकांतवासी, अंतर्मुखी, मौज में रहने वाले पद्मापदम भाग्यशाली ब्राह्मणों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। निराकार परमात्मा साकार तन में आकर हमें आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। हम क्या साथ लाए, क्या साथ लेकर जाएंगे, ये भी समझेंगे। सभी मनुष्य चाहते हैं दीर्घायु होना, है ना? ज़्यादा समय तक शरीर में रहने के लिए कौन सा अभ्यास हमें करना है, ये सुनेंगे आज। हम खुद भी खुश रहें और औरों को कैसे खुशी और सुख का अनुभव कराएं, बाबा उसकी भी युक्ति बताते हैं। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए हमें बाबा का सुख के सागर का संदेश सबको देना है। बाबा मिला हमें, हम खुश हो गए, अब औरों को भी ये सुख का खुशी का रास्ता बताना है। वेस्ट और नेगेटिव संकल्प का क्या करना है? होता है ना, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चों के व्यर्थ चलते हैं, तो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प का क्या करना है जानने के लिए सुनते हैं 27 जून 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। हाँ, हमने सुना है नंगे आए थे नंगे जाना है। नंगे माना न अंगे, तो आत्मा आई थी ज्योति बिंदु और अंग उसको माँ के कोख में मिलता है। तो अब ये नहीं समझना है कि हम ये शरीर पर चढ़े हुए कपड़े ये नहीं पहन कर आए थे। न अंगे माना अंग भी हम नहीं लाए थे, आत्मा अलग शरीर अलग। शरीर आत्मा को माँ के गर्भ में मिलता है, तो आत्मा अशरीरी आई, नंगी आई। तो बाबा कहते हैं तुम शरीर को भी साथ लेकर नहीं जा सकते, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है। तो तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। इसलिए क्या करना है? शरीर को भूल जाना है, क्योंकि वो तो साथ नहीं जाएगा। आत्मा जो यहाँ संस्कार बनाती है, संस्कार धारण करती है, वो आत्मा के साथ जाएंगे। इसलिए अपने विचारों पर, कर्मों पर, संकल्पों पर, संस्कारों पर ध्यान हमें देना है जो कि आत्मा के साथ जाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? क्यों करते हैं? हम योग करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ क्यों करते हो जिससे दीर्घायु हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं। हाँ, अभी तो घर नहीं जाना है ना, अभी तो बाबा मिला है, अभी तो जीने की इच्छा हुई है, तो अभी थोड़ी शरीर छोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं, पता चला कि योग से आयु बढ़ती है तो हम योग करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। भगवान का प्यार तो सिर्फ अभी मिलेगा ना, इंसानों का प्यार तो देखा ना। तो बाबा कहते हैं अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। जो यज्ञ में थे, जो एडवांस पार्टी में आत्माएं चले गए, उन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था भी बनाई, और जो बीच में ही चले गए तो बाबा कहते हैं उनका इतना ही पार्ट था। लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना कि हम दीर्घायु हों, योग बल जमा करते हैं, क्योंकि हमें बाबा के साथ रहना है, ये ज्ञान सुनना है, समझना है, अनुभव करना है, इसलिए हम ये पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं, वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे,
हाँ, वास्तव में तो यही सत्संग है ना, सत्य बाप के संग हम हैं। तो सत का संग तारे तार देता है और कुसंग क्या करता है, डुबो देता है। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फर्क भासता है, फर्क लगता है ना भक्ति में और ज्ञान में और सत्संगों में और पंडाल में और यहाँ विद्यालय में, स्कूल में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। यहाँ पहले हमें बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। बाबा का प्यार हमें खींच लाता है ना यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे हमारा भी प्यार स्नेह बाप के प्रति बढ़ता जाता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है, तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा हैं न कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, यदि हमारी आत्मा कहें तो फिर प्रश्न उठेगा कि आत्मा कौन है, किसकी आत्मा। हाँ, मैं आत्मा, इसलिए आई एम सोल, माई सोल नहीं, माई बॉडी। तो शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं, जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है साईं बाबा, मेहर बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए। हाँ देखो कितने बाबाओं का फैशन है अभी। तो जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। हाँ, जो सुख आत्मा को चाहिए वो जिस्मानी प्यार में है वो सुख। कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती, कुछ भी कर ले, सिर्फ परमात्मा ही आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। तो जो प्यार हमने परमात्मा से अनुभव किया है, जो योग लगाकर हमने अनुभव किया है, वो हम आत्माओं में ढूंढते हैं और हम उसको शारीरिक तल पर ढूंढते आए, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई, भटकते रहते हैं। और फिर देखो थोड़े दिन अच्छा लगता है और फिर कैसे दुख होता है। तो बाबा कहते हैं कि जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। हाँ, जिस्मानी प्यार में हम क्या कहते हैं, वी फॉल इन लव, और बाबा के प्यार में वी राइज इन लव। तो अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार, रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम अभी समझते हो, बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है, मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों, बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला, बाप और बच्चों का मेला, आत्मा परमात्मा का संगम। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे, बाबा अक्षर बहुत मीठा है, बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो, बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बच्चे को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन अपने माँ बाप से ही तो होता है। तो बाबा से क्या वर्षा मिलता है, वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं। देखा है ना परम धाम में सभी आत्माओं का कौन सा स्थान है, कौन कहाँ है, सबके सेक्शन अलग अलग हैं जहाँ से आते हैं। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नून है। बाप किसको भेजते नहीं है, हाँ अपने आप संकल्प इमर्ज होता है, समय होता है और वो आत्मा नीचे आ जाती है। बाबा ये नहीं कहते जाओ अब तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा समय हो गया। बाप किसको भेजते नहीं है, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं, योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी।
बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी, मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहाँ का कायदा होगा। सत्युग की बात कर रहे हैं बाबा, बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना, वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है। हाँ देख ही रहे हैं ना अभी तो क्या है। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे सब कायदे अनुसार होता है और सब साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है, एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, फायदा होगा। तो आधी उम्र हो जाती है उसके बाद में बाबा कह रहे हैं लगभग उस आयु में बच्चा और बच्ची आते हैं कायदे अनुसार, फिक्स है ये, पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है, पहले बेटा होगा फिर बेटी होगी। हाँ इसलिए देखो ज़्यादा रिश्ते ही नहीं हैं, चाचा का रिश्ता ही नहीं है, ताऊ का रिश्ता ही नहीं है, मासी का रिश्ता ही नहीं है, सिर्फ मामा भुआ है ना। तो बाबा कहते हैं पहले बच्चे की फिर बच्चे की आत्मा आती है, विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल, 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, कितना गैप होता है आपस में भाई बहन में, बाबा ने ये भी बता दिया। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है, कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, यह सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है, रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे, बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। यहाँ भी देख रहे हैं ना आप, तो भिन्न भिन्न विधियाँ हैं बच्चे पैदा करने की। तो बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, कैसे पैदा होंगे कैसे क्या कायदा है बाबा धीरे धीरे सुनाते जाएंगे। तो ये तो साकार मुरली है ना, तो बाबा ने सब कुछ बता दिया है। यज्ञ में एक पुस्तक है स्वर्ग का दिग्दर्शन, उसमें सारी बातें हैं, स्वर्ग कैसा होगा सब बताया है बाबा ने। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है, वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो, हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है जो ही तुम साथ ले जाएंगे। हाँ क्या लेकर आए, क्या साथ लेकर जाएंगे, आत्मा संस्कार समझ लेकर जाती है, जो बाबा कहते हैं तुम साथ ले जाएंगे, वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे, शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अजन तुम अल्फ बे पढ़ते थे, शुरू में जब साक्षात्कार हुए, शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई, बाबा कहते उस समय तो बाबा ने पहले अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा, यही पाठ पक्का कराया था ना। तो बाबा कहते हैं फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए, सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी, जो जो होगा हमारे साथ, जो जो मिलेगा, तो मन करता है देखने का। हाँ बाबा कहते हैं इच्छा तो होगी देखने की कि वहाँ क्या क्या होगा, तो साक्षात्कार करेंगे, जिनका पाठ होगा वो करेंगे, तो समझेंगे कहाँ शरीर न छूट जाए, सब कुछ देख कर जाए, ये तो आता है ना मन में कि अनुभव कर ले, बाबा ने जितना बताया है, जितनी मुरलियाँ हैं सब पढ़ ले, सब समझ ले, बाबा के साथ खूब योग लगा ले, खूब जमा कर ले। बीच में आता है कभी कभी मन में कि शरीर छूट ना जाए, कभी ये सब पुरुषार्थ अधूरा ना रह जाए, तो बाबा कहते हैं इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, योग में कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, सांसें नॉर्मल गति से चलती हैं, तो कहते हैं ना कि यदि विकार में जाते हैं तो सांसें तेज चलती हैं, तो सांसें सबकी फिक्स है, तो जल्दी जल्दी सांस ले लेंगे तो उतनी फिक्स सांसें कम समय में लेंगे, तो आयु छोटी हो गई, और धीमी गति से नॉर्मल गति से ले रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आत्मा शरीर में ज़्यादा समय तक रहेगी, दीर्घायु, इसलिए बाबा कहते हैं कि आयु बढ़ाने के लिए चाहिए
योग बल। हाँ, खान पान रहन सहन विचार सब शुद्ध होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो शरीर भी इतना पतित नहीं होता है ना, तो फिर ज्यादा दिन चलता है। तो बाबा कहते हैं जो बाप से सब कुछ सुने सब कुछ देखें, इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, जो बाप से सब कुछ सुने और सब कुछ देखें। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वह तो ड्रामा का पार्ट है। अब ये साकार मुरली है, बाबा ने कितनी मुरलियाँ चलाई, तो और जो पहले चले गए उनका पार्ट उतना ही था, उन्होंने उतना ही सुना, उनकी तकदीर में होगा तो वापस फिर इस ज्ञान में आएंगे, हाँ दूसरे जन्म में। तो बाबा कहते वो चिंतन आपको नहीं करना है, क्योंकि ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था, तकदीर में नहीं था। ज़्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। करते हम सेवा, हाँ मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सेवा करनी है। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी, तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं, उनको तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना, जीवन मुक्ति को नहीं जानते कि जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था कैसे हो सकती है, बाबा कहते हैं उनको जानते ही नहीं है। यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है, बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ट्रिपल रोल। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, सुख दुख आत्मा ही महसूस करती है। आत्मा में विशेषण लगते हैं ना, कहा भी जाता है पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, आत्मा के साथ विशेषण लगता है, देवात्मा, तो ये सब देखो, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। पाप शरीर पुण्य शरीर ये तो नहीं कहते हैं। तो अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने, अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। हाँ, सुख के दिन आने वाले हैं या आ गए, अच्छे दिन आने वाले हैं या चल रहे हैं, आ गए ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट है, उनको भी तुम समझ गए हो, तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए, सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है। भगवान जानते हैं कि किसको किससे दुख मिला है और किसने किसको दुख दिया है, मिला है माना दिया है तभी तो मिला है ना। तो बाबा कहते हैं सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, ट्राई कर लिया ना सारे संबंध, तो अब देखो बाबा से सारे संबंध निभाने और फिर अनुभव करो क्या मिलता है। तो सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है ही दुखदाई संतान, यह है ही दुखदाई संतान, तुम दुखी होते, दुख की ही बातें सुनते आए हो, अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन पर कितना प्यार होना चाहिए, है इतना प्यार। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं, आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। सबको सुखी कैसे बना सकते हैं, जो रास्ता हमें मिला है वो रास्ता सबको दिखाना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है, तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलती है, किसी का कल्याण हो जाए तो वो दिल से धन्यवाद करते हैं। तुम समझते हो इन्हें भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है,
ब्रह्मा बाबा को भी ये नॉलेज कहाँ से मिली? सुप्रीम बाप से मिलती है, या फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। जो भाई बहन सो रहे हैं अज्ञान नींद में, हाँ, कुंभकर्ण की नींद कही जाती है ना, देखो तो क्या करना है, सबको जगाना है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप, अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं, बाबा सिखला रहे हैं, और हम बैच लगे हुए कुंभकर्ण तो नहीं है, हाँ जाग गए ना सब। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान सागर बाप, अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं, तुम्हारे दिल में आता है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। अभी क्या कह रहे हैं बाबा, जागो जागो, समय आ गया, वापस चलना है। और दुनिया क्या कह रही है, अरे अभी तो कलयुग 40,000 साल बाकी है, सो जाओ, सोए पड़े हैं, हाँ सबको जगाना है। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। तो इस तन के दीप में आत्मा क्या है, एक ज्योति है ना। बाबा कहते हैं, अब तो घी थोड़ा ही सा बचा हुआ था, देखो बाबा ने आके फिर से ज्ञान घृत डाला, ये आत्मदीपक जगा दिया है। फिर क्या करना है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, बाप का संदेश सबको सुनाते चलो। तो बाबा कहते हैं कि हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जा कर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। आजकल कितने केमिकल आ गए हैं ना गंदगी निकालने के, लेकिन आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरेगी, बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं कि माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। बाबा मिल गए तो प्लस के बजाय फिर क्या हो जाता है, और ही ज्यादा माइनस में चले जाते हैं यदि माया से हार खा लेते हैं तो। तो बाबा कहते हैं, जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो, ना अपने शरीर की कशिश हो और ना ही किसी और के शरीर की, ना देह के संबंधों की और ना पदार्थों की और ना ही स्वभाव संस्कार की, तो कोई भी कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है, इसलिए बार बार हमें अशरीरी होने का अभ्यास करना है। यदि अंत समय में बहुत आसानी से जाना है, आत्मा आसानी से शरीर छोड़ दे, उसके लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। नहीं तो आत्मा को शरीर से सबसे ज्यादा मोह है, आत्मा शरीर छोड़ने ही नहीं चाहती है। देखते हैं ना हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पे, हाँ कितनी तकलीफ। तो बाबा कहते हैं, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है, कभी चढ़ती कभी उतरती, यह चलता रहता है। हाँ ऐसे ही चलते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चलते रहेंगे, उठते रहेंगे, फिर गिरेंगे, फिर चलेंगे, तो पहुंचेंगे मंजिल पर, बार बार गिरते ही रहेंगे तो। हाँ शक्ति भी तो क्षय होती है ना, शक्तिहीन होते जाते हैं, तो अब क्या है, चलते ही जाना है ना, गिरना नहीं है, एक गति होगी, तीव्र गति होती जाएगी तब तो मंजिल पर पहुंचेंगे, अब समय कहाँ है, तो अब तो गिरने का समय भी नहीं, गिरने का मार्जिन भी नहीं है, कि चढ़े उतरे नहीं, अब तो चढ़ते ही चढ़ते चढ़ते ही जाना है, उड़ने का समय है अब तो। तो बाबा कहते हैं, कभी चढ़ती कभी उतरती या चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है, याद रहे ये साकार मुरली है। हाँ
तो कभी नीचे कभी ऊपर बड़ा नाजुक रास्ता है। यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को न देखो। आंखों से देखते हैं, विचार चलता है, फिर वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, और भी कर्म इंद्रियां क्या हो जाती हैं, उग्र हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि नहीं, शरीर को देखो ही नहीं, कर्म इंद्रियां शीतल रहेंगी, देखते हुए भी न देखो, आंखें धोखा देती हैं। तो इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी देखेंगे उस अनुसार कर्म करेंगे तो धोखा ही खाएंगे। इसलिए तो बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं ना, तो अब इस नेत्र को यूज करना है और चर्म चक्षुओं को, इन दो नेत्रों को अब आराम देना है, बंद कर लो, देखते हुए भी ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। हाँ, भोजन भी शुद्ध है, तो आंखों से क्या भोजन ले रहे हैं, कान से क्या जा रहा है, मुख से क्या जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ अंदर जा रहा है ना, तो बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। बाबा कहते हैं देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते हैं। जैसे है ना, वैष्णव देखो कितनी पवित्रता से खाते हैं, किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे, कोई छू लेगा तो वापस स्नान करेंगे। तो हम संगम युगी ब्राह्मणों को कोई भी गंदी चीज नहीं खानी है। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान, समझते नहीं कि चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर चार भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं, भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं। तो ये सब चित्र जो बनाए हैं वो सिंबॉलिक हैं। बाबा कहते हैं बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। बन गए सब समझदार। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, हाँ मुझ एक को ही याद करो। तुमने बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम, यह भी गाते रहते थे। पहले गांधी जी ने कहा और फिर देखो ब्रह्मा बाबा भी यही गाते थे। तो बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। दादा लेखराज जी को तो नहीं पता था ना, ब्रह्मा बाबा को नहीं पता था कि शिव परमात्मा मेरे अंदर एंट्री लेंगे, ऐसा पता था उनको? नहीं पता था। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ, तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है। हाँ, लोगों को साक्षात्कार होने लग गया था, पढ़ा है ना इतिहास, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी भाग एक और दो, ये पुस्तकें हैं, जरूर सभी को पढ़ना चाहिए। तो देखो ब्रह्मा बाबा आज अपना अनुभव शेयर करते हैं कि बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ, तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है, यह क्या होता है, शिव बाबा कशिश करते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा वो खींचते थे सभी आत्माओं को, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे, आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए, तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ, अच्छा बनारस जाता हूँ,
यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। अन्य आत्माओं को भी कशिश होती थी और बाबा को भी अपने एक्सपीरियंस होने लग गए थे और बाबा भी देखो धीरे धीरे वैरागी बनते गए और शिव बाबा की तरफ खींचते गए। तो बाबा कहते हैं कि यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बेचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहाँ बगीचे में जाकर ठहरा। वहाँ पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। हाँ, गोल 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 सर्कल बनाने लग गए। बाबा क्या कराते थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, हाँ, स्थापना का विनाश का कितने साक्षात्कार हुए। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। सबके अपने अपने अनुभव ना। तो फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। तो जितना बाबा के नज़दीक होंगे, अपनी अवस्था बनाएंगे, योग बल जमा करेंगे, उनको साक्षात्कार होगा। पहले का पार्ट अलग था उन आत्माओं का, बाबा ने कराया, लेकिन अब योग बल जमा करना होगा। जितना हमारा नेटवर्क क्लियर होएगा, हाँ, जितना बाबा से कनेक्शन होगा, उनको ही साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे से की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, हाँ, हम तो बाबा के ही हैं, हमको तो सब कुछ मिलेगा ही। तो अलबेलापन हो जाता है, आलस आता है, भूल जाते हैं कि हमें हिम्मत के कदम बढ़ाने हैं, तब बाबा मदद करेंगे। तो कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। हाँ, बाबा कब मदद करते हैं, जब हम हिम्मत करेंगे। हिम्मदे बच्चे मददे बाप। तो कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। यानी कि हमने बहुत ज्ञान योग कर लिया, सेवा कर ली, अब हमें जरूरत नहीं है, हमने अपना एक पद पोजीशन बना लिया। नहीं, बाबा कहते हैं आपको हिम्मत करनी है, तब बाबा और मदद करेंगे। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, मियां मिट्ठू नहीं बनना है। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं, क्या करें वेस्ट और नेगेटिव संकल्प का। हाँ, बाबा कहते हैं जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। तो नेगेटिव और वेस्ट को किस में बदलना है, पॉजिटिव और एलिवेटेड थॉट्स में। कहाँ से मिलेंगे, मुरली से मिलेंगे। हाँ, उससे क्या होगा, विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में
लगाओ। तो ये थी आज की सतवाणी 5 पॉइंट। पहली बात क्या पक्का कराया बाबा ने, आत्मा अलग शरीर अलग। तो तन के दीप में मैं आत्मा ज्योति। दूसरा, योग बल से हम दीर्घायु होंगे। तीसरी बात, सभी हदों से निकलकर अब हमें बेहद में जाना है। चौथा, अलबेलेपन का, अभिमान का त्याग करना है। और पांचवा पॉइंट, विश्व कल्याणकारी संकल्प रचने हैं। विश्व कल्याणकारी संकल्पों की रचना करनी है। ओम शांति। तन के दी।